धनवार में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था चरमराने एवं भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचने को लेकर भाकपा माले नेता विनय संथालिया ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन करने की बात कही है। श्री संथालिया ने कहा कि धनवार में बिजली एवं पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं पीएम आवास शहरी में पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिनके पास पक्का आवास है उन्हें ही पीएम आवास दिया जा रहा है। कहा कि यदि बिजली पानी की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तथा पीएम आवास में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कमेटी गठन कर उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो भाकपा माले चरणबद्ध आंदोलन करने को विवश होगी। धनवार में तमाम चीज़ों की स्थिति चरमरा गई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। बिजली की स्थिति गर्मियों की शुरुआत होते होते इस तरह की हो गई है कि लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। अब बिजली के साथ साथ धनवार नगर पंचायत में पानी की व्यवस्था नहीं है और नगर पंचायत प्रशासन लोगों को पानी की व्यवस्था करवाने में सफल नहीं हो पा रहा। राजा टोला से लेकर धनवार बाजार के नागरिकों को पैदल नहीं मिल पा रही है। ऐसे समय में जब बिजली पानी और जो अभी आवास आए हैं नगर पंचायत के जरिए प्रधानमंत्री शहरी आवास, उनमें बड़ा पैसे का लेन देन हो रहा है। इस बार 96 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की घोषणा की गई है, जिसमें तकरीबन 40% आवास ऐसे हैं जिन लोगों का पक्का मकान है और ये पक्का मकान वाले को देना और गरीबों को आवास से वंचित रखना कहीं न कहीं ये पूरा इंगित करता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा खेल हुआ है और नगर पंचायत पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, गरीबों के साथ पैसा का लेन देन चल रहा है। और इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के सांसद विधायक की चुप्पी जनता को खल रही है। ऐसे समय में जब धनवार के लोग बिजली के लिए पानी के लिए गरीब लोग भ्रष्टाचार से तंग हैं, हम आम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे सांसद विधायक के खिलाफ संघर्ष के लिए आगे बढ़ें और पंचायत चुनाव में गांव गांव में भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े रहने वाले लोगों को, महंगाई पर चुप रहने वाले लोगों को इस चुनाव में जवाब दें। साथ साथ अगर तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं की गई और टीम बनाकर पैसे का लेन देन जो हो रहा है प्रधानमंत्री आवास के राशि भुगतान में और जो संपन्न लोगों का आवास दिया गया है इसका टीम बना के जांच करके दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया गया, इस बार भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी और नगर पंचायत के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी और तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी माले कमर कस के एक एक गांव एक एक लोगों के पास उनके खिलाफ खड़ा रहने की अपील करेगी।